बरसों से संचालित अवैध घरेलू गैस सिलेंडर की गोदाम को नायाब तहसीलदार ने पकड़ा। इटावा जनपद में थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत शहर के पास इलाके में महिंद्रा एजेंसी के सामने पीली कोठी के एक मकान में घरेलू गैस सिलेंडरों का बड़ा जखीरा किया गया बरामद। तेज तरार नायाब तहसीलदार प्रीति सिंह ने की बड़ी कार्रवाई। 2-3 सालों से एक मकान में गोदाम बनाकर शहर में सप्लाई किए जा रहे थे रसोई गैस सिलेंडर। मौके पर पहुंची नायाब तहसीलदार प्रीति सिंह व फूड इंस्पेक्टर व पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। मौके पर एचपी इंडियन भारत गैस के कई खाली व भरे सिलेंडर किए गए बरामद। सवाल यह उठता है कि इकदिल की एक गैस एजेंसी के द्वारा बस्ती के बीचों बीच आखिर कैसे और किसकी सेह पर ये अवैध कारोबार चलाया जा रहा है। लोगों की माने तो यह कारोबार लगभग 2-3 सालों से चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय की तरफ से आदेश था, शिकायत मिली थी, उसी के क्रम में मैं यहाँ जांच के लिए आई। मेरे साथ यहाँ सप्लाई विभाग से भी है और पुलिस के साथ में है। हमारे छापे के दौरान यहाँ पे लगभग 70 सिलेंडर इनके यहाँ पे एक कमरे में पाए गए और इन्होंने यहाँ अवैध रूप से यहाँ कॉलोनी के बीच में इनका भंडारण कर रखा है, जिसके लिए विभाग की तरफ से जो भी विधिक कार्रवाइयाँ उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आगे के लिए रिपोर्ट हम लोग प्रेषित कर दे रहे हैं, बाकी की जानकारी उच्च अधिकारियों से प्राप्त होगी। मैम, कब से ये कारोबार चल रहा था अवैध? देखिए, जानकारी जो अभी मुझे इस बारे में प्राप्त नहीं है, हमारे छापे के दौरान हमें आज ही मिला है और जो इनके कहने के हिसाब से तो हमने आज ही रखा है अभी, लेकिन इसके ये एचपी गैस एजेंसी है, उसके सिलेंडर समय प्राप्त हुए हैं और इनकी जो कहना है इनका, मनोज कुमार जी का, इनका एक एजेंसी भी है एकदिल में, अवध गैस एजेंसी के नाम से इनकी एजेंसी संचालित है, लेकिन भंडारण वहाँ ना होकर कि यहाँ कॉलोनी के बीच में भंडारण था जो कि अवैध तरीके से माना जाएगा। ये तो अवैध भंडारण है एक तरीके से, अब इन्होंने जिस पर्पज से भी रखा हो, दूरी की वजह से या वो कारण तो बाद में।